संगीत सरिता आज से संगीत सरिता कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारीख। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आज हम आप लोगों के साथ सितार पे राग किस तरह पेश किया जाता है उस बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ऐसे तो आप लोग सबने सितार बहुत सुना होगा, बहुत सितारियों को सुना होगा, अलग अलग घराने को सुना होगा, और हर संगीतकार का, हर वाद्यकार का राग पेश करने का तरीका अलग अलग होता है। हर घराने में भी अलग अलग शैली होती है राग पेश करने की। अब जहाँ तक सितार की बात है, वहाँ इतना कहना बहुत ज़रूरी है कि सितार की शैली, जितनी भी शैलियाँ हैं आजकल हिंदुस्तान में, वो सब एक तरीके से देखो तो गाने को फॉलो करती है। किसी ने कहा है गाना उत्तम बजाना मध्यम, नृत्य के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हर एक तंत्रकार जितना गायकी की नज़दीक जा सकता है इतना अपने को सफल समझता है। तो हमारे घराने में, मैंने जब कहा हमारा घराना, मतलब ये है कि इटावा घराना कह लीजिए, उसको इमदाद खानी घराना कह लीजिए, और शायद हम लोग आज जैसे कहते हैं उसको विलायत खानी घराना कह लीजिए, इस घराने में राग को किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, और किस तरीके से सितार के ऊपर पेश किया जाता है, उस बारे में जो मेरे थोड़े बहुत विचार है, जो हमारे उस्ताद से तालीम मिली है, उसके आधार पर वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मेरा ख्याल है सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि राग क्या है। राग के बारे में ज़्यादा डेफिनेशंस मिलती नहीं है। रंजयती इति राग, ये तो हम सब सुनते आए हैं। अब शास्त्र में लिखा गया है, कहा गया है, इसलिए उसके बारे में कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से रंजयती इति राग, जो मन को खुश करता है, जो मन को रंग देता है, वही राग। ये डेफिनेशन शायद बहुत ही जनरल सी डेफिनेशन मेरे को लगती है। ज़रूरी है कि हम राग को थोड़ा सा एनालाइज करके उसके अलग अलग विभाजन को समझें, और वो समझने के बाद राग का एक स्वरूप क्या है उसके बारे में सोच विचार करें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा उचित होगा। मैंने कोशिश करी है कि राग को पांच हिस्से में बांटा है। उसमें सबसे पहले मैंने जो कैटेगरी रखी है, टेनेट कह लीजिए, नॉर्म कह लीजिए, वो है सिलेक्शन ऑफ नोट्स। मतलब हम सबको मालूम है सात और पांच, बारह सुर का ऑक्टेव बनता है सप्तक, मतलब शुद्ध सुरों, कोमल सुरों लगा करके। वो बारह में हम सबको मालूम है कि पांच सुर कम से कम चाहिए एक राग बनाने के लिए, मालाश्री को छोड़ करके। मालाश्री में चार सुर लगते हैं ऐसे उस्तादों का, पंडितों का कहना है, लेकिन तीवर मध्यम जरूर उसका भास जरूर आता है, इसलिए सागा पसा से ही सिर्फ मालाश्री बनता है ऐसा भी मानना ठीक नहीं है। फिर भी सिलेक्शन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है राग को बनाने में। जितने भी आप आरोही में स्वर लगा लें, जितने भी स्वर आप अवरोही में लगा लें, उस पर पांच सर कम से कम चाहिए। फिर ओडव ओडव शाडव ओडव शाडव संपूर्ण वगैरह एक जातियां होती है, उसके बारे में मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। सिलेक्शन के बाद कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जब सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि हमने आरोही अवरोही निश्चित कर ली है, कौन से सुर बारह सुरों में से लगेंगे आरोही में और कौन से सुर लगेंगे अवरोही में, उसी के ऊपर से थाट बने हैं दस। जैसा आपको मालूम है, मैं थाट को जिस तरीके से
विभाजन करते हैं उससे थोड़ा सा अलग करता हूँ। मैं सुबह से लेकर के दोपहर तक का पांच थाट मानता हूँ, भैरव भैरवी टोड़ी आशावरी और बिलावल, और दोपहर से रात तक का दूसरे पांच थाट मानता हूँ, जैसे काफी खमाज, पूर्वी, मारवा और उसके बाद कल्याण। ये 10 थाट हो गए, और उसमें जो सिलेक्शन का जो हमने कैटेगरी रखी वो सिलेक्शन की कैटेगरी उसके अंदर बराबर फिट हो जाती है। उसके बाद हम चले कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि सुरों का कॉम्बिनेशन कैसे करना। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि एस ए डब्ल्यू का एक मीनिंग होता है, डब्ल्यू ए एस उसको उल्टा दे तो कुछ और ही मीनिंग हो जाता है। इसी तरीके से सुरों को जिस तरह हम मिलाते हैं, उसकी जो संगति करते हैं, उसके ऊपर राग का स्वरूप, राग का मूड, राग का रस वगैरह भी बदल जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके समझाऊं। देखिए, खाली धनी सारे सा है, अभी उसको अलग अलग तरीके से हम लगाए तो कौन से तीन राग बनते हैं वो आप खुद ही कहे। ये तो एक राग हो गया, दूसरा और तीसरा, तो पहला है धनी सारे, ये तो सोहनी हो गया, अभी ये तो पुरिया हो गया, और ये मारवा हो गया। अब ये तीनों राग सुर वही है धनी सारे, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से कंबाइन करेंगे तो अलग अलग राग बनते हैं। इसलिए राग की दूसरी जो डेफिनेशन की जो व्याख्या है, दूसरी जो कैटेगरी है, वो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन है। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो मैं समझता हूँ एम्फेसिस की, वजन। वजन का शास्त्र मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है म्यूजिक में, और शायद छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जितना ख्याल, जितना सोचना, जितना फोकस इस बारे में देना चाहिए, शायद विद्यार्थी और कई एस्टैब्लिश म्यूजिशियंस भी नहीं देते हैं। वजन का शास्त्र संगीत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए, वजन से सुरों को अलग अलग तरीके से उसका वॉल्यूम, उसका एम्फेसिस, उसका वजन बदलने से कैसे अलग अलग राग बनते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊं। अब इसमें कोमल गंधार किस तरीके से लगता है ये देखिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, अभी देखिए सबसे पहले है, ये तो काफी हो गया, दूसरा ये तो बरवा हो गया, ये तो कानरा हो गया, ये तो देसी हो गया। तो अभी गंधार का अलग अलग वजन से, अलग अलग एम्फेसिस देने से कैसे अलग अलग राग बनते हैं वो आपको ख्याल आया। तो तीसरा राग का जो डेफिनेशन कैटेगरी है वो है एम्फेसिस, चौथा जो है वो रस, इमोशनल कंटेंट। उसमें अलग अलग रस है, आपको तो मालूम है, कई 9 रस गिनते हैं, कई लोग 10 रस गिनते हैं, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से 5 रस ज्यादातर संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। अभी जैसे श्रृंगार, करुण, भक्ति, वीर वगैरह जो रस है, उसी के आसपास अपना संगीत, अपना राग की जो पेशकारी है वो फिरती है। अब उसको अलग अलग रस किस तरीके से बनते हैं, अभी देखिए, जैसे अभी देखिए,
उसमें एक रस हो गया। ये अभी एक अलग रस हो गया, उसके अंदर जो रस को है अलग रस बन गया। तो जैसा राग का स्वरूप है, जहां राग फिरता है उस मुताबिक इमोशनल कंटेंट बदलता रहता है। तो ये चौथा हिस्सा हो गया। और जो पांचवा हिस्सा है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है, क्योंकि आजकल राग काफी बने हैं लेकिन जहां तक उसका इंडिविजुअल कैरेक्टर इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ नहीं होगा राग में, वहां तक म्यूजिक कम्युनिटी उसको अपनाएगी नहीं। और जहां तक म्यूजिक कम्युनिटी अपनाती नहीं है वहां तक राग राग नहीं कहलाएगा, वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाएगा। मेरा ख्याल है ऐसे जो कंस चंद्रकंस ऐसे ही शायद राग दो तीन है हेमंत, कि जो राग सचमुच चले हैं दो पीढ़ी तीन पीढ़ी से और म्यूजिक कम्युनिटी ने अपना लिया है। तो ये पांच कैटेगरीज है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, एम्फेसिस, इमोशनल कंटेंट और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। और उसके साथ साथ दो जो है सीजनल राग है, और रागों का सुबह का टाइम दोपहर का टाइम अलग अलग राग होते हैं, वो भी दूसरे दो क्वालिफिकेशन से। यहाँ आज का ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। राग के बारे में आपको हमने कुछ जानकारी दी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की पहली कड़ी। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारीख। आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।